हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। हेलो भाई, वीडियो बना रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। यार अर्जेंट है। क्यों, क्या हुआ? यार आईफोन को जेल ब्रेक करना है, कैसे करूँ? अच्छा, तुम्हें ये पता भी है कि जेल ब्रेक होता क्या है? जेल ब्रेक करने से हमारा कुछ बेनिफिट है या हमारा लॉस है? भाई ये सब तो ना पता मुझे। मैंने तो ये सुना था जेल ब्रेक करके हम अपने मोबाइल में कुछ भी कर सकते हैं। चल भाई, तू एक काम कर, ऑनलाइन रहना, मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। ओके भाई डन, मैं ऑनलाइन ही रहूँगा। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं या यूज़ कर चुके हैं तो आपने कभी ना कभी जेल ब्रेक के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जेल ब्रेकिंग क्या है और हमें इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिर जेल ब्रेकिंग होती क्या है? अगर आप अपने आईफोन या आईपैड को जेल ब्रेक कर देते हैं तो आपके फ़ोन की सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाती हैं। जेल ब्रेक करने के बाद अब अपने आईफोन या आईपैड में वो सब कुछ कर पाओगे जो बिना जेल ब्रेक किए कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। जैसे कि आप जानते हैं, आईफोन या आईपैड में सभी एप्लीकेशंस एप्पल के ऐप स्टोर से ही आप डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आप जेल ब्रेक कर लेते हो तो बिना ऐप स्टोर को यूज़ किए आप बाहर से भी एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाओगे। जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एप्पल आईफोन या आईपैड में, इंटरनेट से डाउनलोडिंग को लेकर या दूसरे डिवाइस के साथ फाइल शेयरिंग को लेकर, वो सब रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाती हैं जेल ब्रेक करने के बाद। तो जेल ब्रेक के फ़ायदे यही हैं, एक तो आप बाहर से भी सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाओगे एप्पल ऐप स्टोर को यूज़ किए बिना, और अब अपने फ़ोन को कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि आप नोटिफिकेशन पैनल तक चेंज कर सकते हो और आइकन वगैरह चेंज करके अपने फ़ोन की लुक एंड फील आप बिल्कुल बदल सकते हो। म्यूज़िक एंड वीडियो सब इंटरनेट से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में आप फाइल मैनेजर भी यूज़ कर सकते हो। फाइल मैनेजर में आपको सभी फाइल्स एंड फोल्डर शो हो जाएंगे जो भी आपके आईफोन में हैं। इन शॉर्ट, आप आईफोन को एंड्रॉयड की तरह यूज़ कर पाओगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई जेल ब्रेक से होने वाले फ़ायदों की। सही है यार, मैं जेल ब्रेक करने जा रहा हूँ। ओके। अरे अभी रुको भाई, सिर्फ फ़ायदे सुन के जेल ब्रेक करने मत बैठ जाओ, अब जेल ब्रेक से होने वाले नुकसान भी सुन लो। अच्छा ठीक है, चलो बताओ। अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो जेल ब्रेक करने के बाद पूरा चांस है आपकी वारंटी ख़त्म होने का। वैसे तो बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं जिन्हें यूज़ करके आप जेल ब्रेक करने के बाद अपने फ़ोन को फिर से नॉर्मल कर सकते हैं, बट फिर भी पूरा रिस्क है फ़ोन की वारंटी ख़त्म होने का। जेल ब्रेक किए हुए आईफोन को एक हैकर ईजिली हैक कर सकता है। अगर आप अपने फ़ोन में ऑनलाइन बैंकिंग की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या पेटीएम या मोबीविक जैसे वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए अपने फ़ोन से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना बहुत रिस्की रहेगा जेल ब्रेक करने के बाद। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैकबेरी के बाद आईफोन को ही सबसे सिक्योर माना जाता है, और अगर आप अपने फ़ोन को जेल ब्रेक कर लेते हैं तो आपके फ़ोन की सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन में वायरस आने का चांस भी डबल हो जाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जेल ब्रेक करूं या ना करूं, तो मैं तो यही कहूंगा कि मत करो यार, आईफोन इतना बढ़िया आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देता है, आप क्यों उसे ख़राब करते हो? आईफोन जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा होगा अगर आप उसे जेल ब्रेक करके यूज़ करोगे तो? ऐसे में तो फिर आप एंड्रॉयड भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने अपने आईफोन या आईपैड को जेल ब्रेक कर दिया तो एंड्रॉयड और आईओएस में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फ़र्क होगा तो बस ये बैक साइड में चमकता हुआ एप्पल का लोगो, इसके सिवा कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यार बचा लिया मेरा आईफोन। तुम अभी तक ऑनलाइन हो? मुझे लगा जेल ब्रेक करने गए। ना ना भाई, जेल ब्रेक को लेकर जितनी कन्फ्यूजन थी सब दूर हो गई। बढ़िया है भाई, चल ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।